दोस्तों नमस्कार, पांडे क्विज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा रेलवे और एसएससी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो उससे पहले हमारे चैनल पांडे गुरुजी में आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं यहां पे डेली स्टडी मटेरियल न्यूज अपडेट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आप हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो को वन बाय वन देखें। या आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं या बैंक का तैयारी कर रहे हैं तो सारे का वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाके वन बाय वन देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है जैविक स्थिति किसे संदर्भित करती है। मैं यहाँ क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिया हूँ ताकि जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में पास आउट हैं तो उसको हिंदी के क्वेश्चन समझ में दिक्कत होती है तो उन्हें कोई कठिनाई ना हो, क्योंकि हमें बहुत कमेंट आ रहा है कि क्वेश्चन इंग्लिश में रखिए, इंग्लिश में रखते हैं तो बोलते हैं कि हिंदी में रखिए। तो मैं दोनों क्वेश्चन दोनों को हिंदी इंग्लिश में रखा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जैविक स्थिति किसे संदर्भित करती है। जैविक कंडीशन रिफर टू लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, हाई वोलेशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर, कम तापमान, कम नमी, उच्च वाष्पीकरण, उच्च तापमान। तो इसका जो आंसर है वो है बी, लो ह्यूमिडिटी, कम नमी। जैविक स्थिति कम आर्द्रता को संदर्भित करती है। जैविक वातावरण वह जगह है जहाँ पानी कम होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपको क्वेश्चन आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करें, आपको आता है तो अपने सही है और नोट डाउन की कोशिश करें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। विच वुड विल बिकम यूजलेस सून आफ्टर एक्सपोजिंग इन द ओपन एयर। निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी खुली हवा में प्रकट होने से के तुरंत बाद बेकार हो जाती है। वो सॉफ्ट वुड, नरम लकड़ी, फाइब्रस वुड, रेशेदार लकड़ी, वेट वुड, गीली लकड़ी, हार्ड वुड, सख्त लकड़ी। तो इसका जो आंसर है वो है वेट वुड, गीली लकड़ी। वुड इज ए प्रॉपर मटेरियल एंड विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। गीली लकड़ी क्या होता है कि एयर से मॉइस्चर करता है और गीली लकड़ी को ऐसे तुरंत बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है। तो इसका आंसर है गीली लकड़ी। वाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इन ए आर्टिफिशियल सेटेलाइट। आप लोग देखे होंगे बहुत से आर्टिफिशियल सेटेलाइट होते हैं जैसे जो गाँव घरों में या सरकार द्वारा लगाई जाती है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सोलर सेल, सौर सेल, मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर, मिनी परमाणु रिएक्टर, डायनेमो एंड थर्मानेटर। तो इसका जो आंसर है वो है सोलर सेल। सोलर सेल कन्वर्ट द सन एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू फोटोसेलियर इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एबिलिटी ऑफ मैटर टू इमिट इलेक्ट्रॉन व्हेन ए लाइट शाइन अपॉन इट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है। पिट्यूटरी ग्रंथि इज लोकेटेड इन, कहाँ पे स्थित रहता है। ये स्थित रहता है ब्रेन में। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन इन। सूर्य से ऊर्जा का स्रोत क्या है। न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु संलयन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव, केमोफ्रेन, चेरनेको प्रभाव, चेरनेको इफेक्ट। सूर्य हाइड्रोजन के परमाणु संकलन द्वारा अपने कोर में हीलियम में ऊर्जा पैदा करता है। चूंकि कोर में बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन होता है इसलिए ये परमाणु एक साथ रहते हैं और हीलियम परमाणु में फ्यूज करते हैं। इस ऊर्जा को तब कोर से बाहर निकाल दिया जाता है और सौरमंडल में चलता है। यह सूर्य और सितारों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा सितारों में गुरुत्वाकर्षण संकुचन भी उनकी ऊर्जा का मेन स्रोत है। तो इसका जो आंसर है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन।
देखते हैं सिक्स क्वेश्चन। निम्नलिखित निम्न में से कौन सा पदार्थ अनाज के संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ फूड ग्रेन? सोडियम बेंजोनेट, विंजेनिया, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट। तो जो इसका जो कोई भी पदार्थ को अनाज को संरक्षण के लिए, जो कि कोई भी अनाज होता है जो काफ़ी मात्रा में रखा जाता है उसको संरक्षण के लिए ताकि वो ख़राब नहीं होता है, उसमें जो यूज किया जाता है वो है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का आपको एग्जामिनेशन में इसका रासायनिक सूत्र भी पूछा जा सकता है, तो उसका रासायनिक सूत्र है NaC7H5O2। तो आप इसको सूत्र को रट रखें, एग्जामिनेशन में पहले भी कई बार पूछा जा चुका है क्योंकि एग्जामिनेशन में हमेशा क्वेश्चन रिपीट होती है। साइक्लोट्रोस का उपयोग किसे तुरंत प्रदान करने के लिए किया जाता है? साइक्लोट्रोस आर यूज टू एक्सलेट प्रोटोन, प्रोटोन प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है। साइक्लोट्रोन एक मशीन है जो चार्ज कण जैसे अल्फा कणों डिटरॉन प्रोटॉन इत्यादि को बहुत तेज गति बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अल्फा कणों भी पूछ सकता है कि साइक्लोट्रोन का प्रयोग किसे तुरंत प्रदान करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन में अल्फा कणों रहेगा तो आप उसको भी टिक मार्क कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड? इनमें से कौन सा सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? देखिए पक्षी में सबसे बड़ा पक्षी कौन है, वो है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग की पक्षी की सबसे बड़ी जीवित प्रजातियां हैं। शुतुरमुर्ग आमतौर पर 200 से 285 पाउंड वजन, हालांकि कुछ पुरुष शुतुरमुर्ग मेल शुतुरमुर्ग 340 पाउंड वजन के साथ दर्ज किया गया है। तो सबसे बड़ी पंछी है वो है शुतुरमुर्ग। देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। यातायात पुलिस द्वारा शराबी ड्राइवर की पहचानने के लिए उपयोग किए जाने वाला ब्रेक टेस्ट में क्या उपयोग किया जाता है? ए ब्रेक टेस्ट यूज बाय ट्रैफिक पुलिस टू चेक द ड्रिंक एंड ड्राइव यूजेज, मीन्स जब आप पेट्रोल ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं तो उसमें एक मशीन लगा के मुंह में चेक किया जाता है लगा के, तो उसके लिए पुलिस द्वारा चेक किया तो उसमें क्या उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए अल्कोहल का आपको दिखाता है कि अल्कोहल का मूल घटक इथेनॉल है और नमूना में इथेनॉल की एकाग्रता को अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ बेट डाइटेशन द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका जो आंसर हुआ वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, जो ड्रिंक एंड ड्राइव में ड्राइवर को यूज किया जाता है, उसमें रेटिंग इसी से शो करता है। सॉरी टेंथ क्वेश्चन है, इलेवेंथ नंबर नंबरिंग गलत किया गया है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? एक निम्नलिखित में ऐसा बीमारी है वो वायरस के कारण होती है, वो है पॉलीमेरिज्म जैसी मलेरिया, हुसिन काउच, रिंग ओम। तो पॉलीमेरिज्म जिसे अक्सर पोलियो या शिशु पक्षाघात कहा जाता है, जैसे पोलियो मार देता है जो विकलांग हो जाते हैं, वो बीमारी एक क्या है, वायरल है, जो एक त्रिव वायरल बीमारी व्यक्ति से तक फैलती है। मुख्य रूप से फेक मौखिक मार्ग के माध्यम से ये बीमारी बहुत ही जल्दी फैलती है। तो बेसिक दोस्तों जनरल साइंस में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये सीरीज फिफ्थ था। आप मैं पहले ही चार सीरीज का क्वेश्चन मैं अपने वीडियो पांडे गुरुजी चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। जीएस एंड जीके में 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें, और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।